हमीरपुर में भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को पूरी तरह से मान और सम्मान दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से हमेशा से ही अभद्र भाषा और अभद्र व्यवहार किया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे अधिक अपराध महिलाओं के दर्ज हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से असफल रही है। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने नारा दिया था कि लड़की हूँ चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन प्रियंका वाड्रा के इस नारे को हवाबाजी करार दिया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। महिलाओं को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं रहा था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने भाजपा पर विश्वास जताया और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई है। अपराजिता सारंगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 389 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 387 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। इस तरह हिमाचल में भी कांग्रेस की जमानतें जब्त होंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का वो दिन जब कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने वहां कहा था, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, यह नारा दिया था। लेकिन इस नारे को मैं कहूंगी लोगों ने कहा हवाबाजी है, क्योंकि जिस तरह के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आए, उससे पता चला कि लोगों को कांग्रेस की नारेबाजी पर विश्वास ही नहीं हुआ, महिलाओं को इन पर आस्था नहीं हुई, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 399 सीट में कांग्रेस ने निर्वाचन लड़ा था और 387 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई। इस बात को मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूंगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रियंका वाड्रा जी की जो ये मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यह फेल हो गई। लोगों की आस्था इस तरह की बात जीत नहीं पाई। विक्रमादित्य सिंह आप सब जानते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इस प्रदेश के नेता हैं, महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ महिलाओं के प्रति, महिलाओं का जो असम्मान किया गया, मैं बिल्कुल कहूंगी कि विक्रमादित्य सिंह जी ने एक व्यक्ति के हिसाब से किया। यह कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है, कांग्रेस की मनोवृत्ति है, इसलिए ऐसा किया गया। महिलाएं 50% लोकसंख्या, उनका सम्मान करना, उनकी मर्यादा की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है।